तो भाई लोग कैसे हो? सभी लोग तो आ गए। मैं कौन नहीं उड़ो राजा, फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। अब लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे बेस बना लिया था अपने हाउस के लिए, तो अभी मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक हाउस यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैंने बनाने का सोचा। तो देखते हैं कैसा बन पाएगा वो। तो चलो यहाँ से मैं सीधा निकल रहा हूँ आगे की तरफ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बोला है कि आपको ग्लास के लिए भाई यहाँ पे मुझे सेंड कलेक्ट करना है, मतलब मुझे रेती यहाँ पे इकट्ठी करनी है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये वाली चेस्ट के अंदर सोवेल रखी है, तो उसको पहले मैं ले लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं सेंड को खुदाई करने। तो कहाँ पे मिलेगी? वैसे तो आप देख सकते हो कि मैं ओशियन के बगल में ही हूँ, तो मुझे सेंड आसानी से मिल जानी चाहिए। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी है, तो मुझे धीरे धीरे करके भाई सबको कलेक्ट करना है। थोड़ी ज़्यादा ही कलेक्ट कर लूँगा जिससे कम ना पड़े। चलो ठीक है, यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ। थोड़ी सी सेंड मुझे इस तरफ दिख रही है, बाकी मुझे मुझे लगता है ओशियन पार करके उस पार जाना पड़ेगा, जो कि छोटा ही रास्ता मैं आसानी से पार कर लूँगा। चलो ठीक है यार, तीन ही थी, बाकी अंडर वाटर है। तो अंडर वाटर तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, बह बह गया तो क्या करूँगा भाई। पता नहीं मेरे प्लेयर को तैरना भी आता है, आता तो है तैरना वैसे इसको, पता नहीं इसने कैसे सीखा होगा। भाई मैं डूब गया क्या? चलो मैं तोड़ते जाता हूँ, निकल तो जाऊँगा शायद मैं। भाई भाई वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है यार, मैं ऊपर कैसे जाऊँ? शायद से मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ यार, मैं ऊपर जाऊँ कैसे? चलो मैं जंप मारते कैसे तैसे करके भाई ऊपर तो आ चुका हूँ यहाँ पे। भाई यार वो मतलब पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था ना, और खैर अभी मैं न्यू न्यू प्लेयर हूँ आपको पता है, तो भाई उतने अच्छे से अपने से आता भी नहीं है खेलने। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको भी तोड़ लेता हूँ मैं। यार सेंड तो है, ऐसी बात नहीं, सेंड नहीं, काफ़ी सारी सेंड है, बस यही है ना कि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। बट कोई बात नहीं भाई, संभलते संभलते अपन तोड़ लेंगे धीरे धीरे करके सबको। देखो मैंने काफ़ी सारी को तोड़ लिया, बट मुझे अभी भी बहुत सारी चाहिए। चलो ठीक है, अब मैंने यार वुड तो इकट्ठा कर ली थी लास्ट टाइम, मैंने आपको बोला था मैं वुड इकट्ठा कर लूँगा, तो वो मैंने अपनी चेस्ट में इकट्ठा करके डाल ली है। बट भाई सेंड की भी तो ज़रूरत है ना अपने को। चलो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अपन निकलते हैं आगे की तरफ, वहाँ पे जाके तोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ और है, इसको भी जल्दी से मैं कम्प्लीट करता हूँ। भाई एक तो बह गई पानी में, इसको कलेक्ट करता हूँ। चलो मैंने कलेक्ट कर लिया, तो मैं सोच रहा हूँ उस पार चलते हैं अपन। भाई यहाँ पे काउस अपने, यार हरियाली काफ़ी ज़्यादा है अपने मतलब विलेज के आसपास, और हो भी क्यों ना यार, क्योंकि अपन नेचर का इतने बढ़िया तरीके से ध्यान रखते हैं ना। वैसे मैं इनको ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचाता हूँ नेचर को, बस अपने को ज़रूरत है हाउस के लिए इसीलिए, वरना अपन ट्री वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे माइनक्राफ्ट में। बट अभी भाई मुझे ज़रूरी है कि हाउस बनाना, और वो अच्छा बने ये मैं सोच रहा हूँ। अरे वरना भाई बेस तो बना रहा होगा, पता नहीं वो कैसा बेस बनाएगा। मैंने उसको ये वाली ड्यूटी दी है कि तू बेस बनाते रहे, तब तक मैं मतलब सेंड इकट्ठी कर लेता हूँ, जैसे कि भाई अपना ग्लास वगैरह बन जाए और अपन उसको लगा पाए वहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सेंड है इस पर, मैं क्रॉस करके आया हूँ इस पर। चलो ठीक है, मुझे बहुत सारी मिल गई है अभी, 52। मैं सोच रहा हूँ 60 से थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ, 60 के आसपास हो जाएगी तो सही रहेगा यार, उससे काफ़ी सारे ग्लास बन जाएंगे। तो ठीक है, बस पानी ना आ जाए इसके अंदर, मैं कहीं गलत ब्लॉक ना तोड़ दूँ इसके अंदर से पानी आ जाए। अभी 64 से मेरे पास ज़्यादा हो चुकी है। चलो ठीक है, इसको भी तोड़ लूँ क्या? जब रखी है सामने तो तोड़ ही लेते, हो सकता है कम भी पड़ सकती है, इसलिए आराम से तोड़ते, काफ़ी ज़्यादा तोड़ लेता हूँ। मुझे लगता है सेंड तो वापस आ जाती होगी ना यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इधर वाली को ना ही तोड़ूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि वाटर अगर अंदर घुस गया तो दिक्कत हो सकती है, ऊपर की तरफ काऊ भी है। चलो ठीक है, मैंने काफ़ी सारी को तो कलेक्ट कर लिया, मुझे लगता है इतनी इनफ हो गई यार। देखो यहाँ पे कुछ सुरंग टाइप की मुझे दिख रही है, अंदर चल के चेक करते हो भाई क्या पता क्या दिख जाए अपने को। चलो ठीक है भाई साहब, इसके अंदर भी वाला देख सकते हो, बिल्कुल गुफा टाइप की बनी हुई है। ये क्या जानवर है भाई? ये तो भाई स्पाइडर है, जिसने भाई माइनक्राफ्ट के स्टार्टिंग में मेरे ऊपर अटैक किया था, इसने जोम्बी ने। एक चीज़ है, क्या जोम्बी इस स्पाइडर को नहीं मारते होंगे, या फिर जोम्बी इसको अपना फ्रेंड मानते होंगे स्पाइडर को? मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मरेगी शायद। भाई इसकी रेड कलर की आँख कितनी ज़्यादा खतरनाक दिखती है ना, मतलब कितना गंदा ही अटैक करती होगी। अच्छी बात है कि अभी दिन है तो ये बाहर नहीं निकली हुई है, बट भाई स्पाइडर को दिन से क्या खतरा है, बट फिर भी अच्छी बात है। वरना भाई ये काऊ वगैरह पे अटैक करती है, शायद इन पे भी अटैक करती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपने ऊपर करती है तो भाई इन पे भी करती होगी। चलो तो मुझे उस तरफ जाना आगे की तरफ, भाई मैं गलत ही डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसा ना होता कि भाई मेरा विलेज ही खो जाता तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट अभी मुझे मेरा विलेज दिख चुका है। या मैं सोच रहा हूँ ना कुछ इतनी ऊँची चीज़ बना दें कि जैसे दूर से अपना विलेज देखे, जैसे अपन रास्ता वगैरह ना भटक पाए। ठीक है, मुझे आगे की तरफ जाना है, तैरता काफ़ी ज़्यादा स्लो है ये। ऑल राइट, मैं यहाँ पर पहुँच तो चुका हूँ। अब अपने भाई ने कुछ तो बना दिया मुझे यहाँ पे, देखते के पता तो चल रहा है, और वो बना भी रहा है, देखो ब्लॉक्स वगैरह लगा रहा है वो। यहाँ पे क्रीपर फूटा था, वो ये वही जगह है। चलो नाइट हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से चल के सो लेते हैं एक बार, और उसके बाद थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा क्या। भाई ये इसने यहाँ पे बेस वगैरह बना दिया, इसके बीच में मैं ग्लास वगैरह लगाने वाला हूँ, और सोच रहा हूँ ऊपर की तरफ भी मिडिल में भी एक ग्लास लगा दूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा देखने में।
भैया अभी बना रहा है, पता नहीं कैसी मेजरमेंट वगैरह ले रहा है ये, कैसा बनाएगा मुझे नहीं पता भाई। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई और मुझे ज़ॉम्बियों का ख़तरा नहीं मोल लेना है, तो मैं सीधा निकल रहा हूँ मेरे बेड की तरफ और आज मैं अपने विलेजर को उठा देने वाला हूँ भाई। यार मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं यार, अपने पास अभी बेड वगैरह की कोई सुविधा है ही नहीं और अपना घर भी कम्प्लीट नहीं हो पाया है। कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं विलेजर के हाउस को छोड़ दूंगा, चलो बट अभी के लिए तो मुझे सोना पड़ेगा ना। विलेजर कहाँ है भाई, विलेजर है ही नहीं यहाँ पे। चलो मैं तो सो लेता हूँ अपना बढ़िया मज़े से। विलेजर आ गया, देखो विलेजर आ गया सोने के लिए, पर भाई ये मुझे उठाता नहीं और मैं इसको उठा देता हूँ अगर ये सोता रहता है। विलेजर तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंसान है, फिर क्या कर सकते हैं भाई, अपने को भी ज़रूरत है ना अभी तो। चलो ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे सेंड तो हो चुकी है, मुझे यहाँ पे थोड़े ये भी चाहिए होंगे, क्या चीज़ है भाई, स्टोन। चलो ठीक है, इसको मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। स्टोन ही है ना ये, पता नहीं यार क्या है इससे, तो देखो ये नहीं टूट रहे, तो मैं सोच रहा हूँ पिकेक्स बना लेता हूँ मैं। सोवेल के बस की बात नहीं है भाई इसको तोड़ना, काफ़ी ज़्यादा देर से मैं मार रहा हूँ बट भाई एक भी नहीं टूटा है, तो सोच रहा हूँ लकड़ी की बना लेते हैं, बट बना लेते हैं भाई एक पिकेक्स। चलो ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे वुड तो काफ़ी सारी है, मैं कैसे बना पाऊँगा वो देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ से बनेगी ये रही, सो मेरे पास यहाँ पे ये वाले ब्लॉक्स नहीं है, तो ये इससे बन जाएंगे क्या, ट्राई करना पड़ेगा मुझे, पता नहीं भाई कैसे बनती है, क्या बनता है, कैसे हो पाएगा। बन तो जा रहे, देखो 4 बन रहे हैं, तो मैं थोड़े ज़्यादा ही कर लेता हूँ, 60 सही रहेंगे। चलो ठीक है 60 सही रहेंगे, और अभी स्टिक भी है अपने पास, तो चलो अब आ रही है पिकेक्स बनाने की, जो कि शायद मैंने बना ली, नहीं मैंने नहीं बनाई है शायद, अभी मैंने बना ली भाई, बना ली है मैंने, अपने पास आ चुकी है यहाँ पे पिकेक्स, तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। और अब खुदाई करते हैं यहाँ पे स्टोन की, भाई काफ़ी सारे स्टोन मैं तोड़ लेने वाला हूँ, क्योंकि स्टोन की ज़रूरत है भाई, इससे मुझे वो बनाना है क्या बोलते हैं, जिससे कि मतलब अपने सेंड से ग्लास बन जाएगा, उसका मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा बट मुझे पता है क्या बनाना है, वो मैं अभी देख के बता दूँगा आपको उसका क्या नाम होने वाला है। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे कुछ चमकदार चीज़ दिख रही है रेड एंड ब्लू कलर की ना, क्या ये डायमंड वगैरह है क्या, मैं खोद के देखता हूँ एक बार क्या है ये, कलेक्ट कर पाऊँगा क्या मैं इसको, वो तो जाना चाहिए भाई, कहाँ चला गया वो यार, क्या चीज़ थी वो, आई क्या मेरे पास, नहीं आई यार, पता नहीं, देखने में तो कुछ अच्छी चीज़ दिख रही थी बट मेरे पास आ नहीं पाई यार, ये थोड़ी सी गलत बात है, पर क्या ही कर सकते हैं यार, अपन तो खुदाई में ध्यान लगाते हैं, छोड़ो उन सब चीज़ों को। ब्लॉक्स तो मुझे काफ़ी सारे कलेक्ट करने हैं, चलो ठीक है भाई, इतनी जल्दी जल्दी कलेक्ट करूँगा ना, मज़ा आने वाला देख के आपको भाई, कितने सारे मैं कलेक्ट कर लूँगा आखिर, सेंड तो मैंने बहुत सारी कलेक्ट कर ली है, 64 से ज़्यादा है, 64 एंड 16 अलग है, तो इससे मुझे लगता है कि अपने इनफ ग्लास बन जाएंगे जितने मुझे बनाने हैं। और मैं सोच रहा हूँ ना अपने घर के ऊपर ना मैं एक स्विमिंग पूल भी बना दूंगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी, पर देखते बन पाएगा नहीं बन पाएगा। देखो कितनी बढ़िया मैंने सुरंग बना दी ना, निकलते हैं यहाँ से, मैं काफ़ी सारे यहाँ पे स्टोन वगैरह तोड़ लिए हैं, तो मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ भाई। ये ज़ॉम्बी को मारूंगा मैं, ये ले भाई, इसके अंदर आग लग जाती है जब मैं इसको मारता हूँ, एक और बार रुक जा भाई, तैर रहा है पानी के अंदर, कितने बढ़िया तरीके से मेरे ऊपर अटैक करेगा, भाग लेते हैं यहाँ से भाई। ये पानी के अंदर ना मतलब इनको सन की लाइट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वरना भाई ये सनलाइट से जलने लगते हैं, रात में पानी से ऊपर आ जाते हैं ज़ॉम्बी वगैरह। चलो ठीक है, मुझे यहाँ से क्या बनाना था भाई, उस चीज़ को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पर, ये है फर्नेस नाम है इसका, तो चलो ठीक है मैंने बना लिया, मुझे पता था यही बनाना है बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, तो अभी तो मैंने इसको बना लिया है, लगाते हैं जल्दी से, कहाँ गया भाई, अब मेरी चेस्ट के अंदर होगा। चलो ठीक है, दो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, इसको लगाता हूँ मैं एक को यहाँ पे, जैसे दो से जल्दी जल्दी ग्लास बनेंगे ना, वरना भाई एक से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक सेंड डाल रहा हूँ, ठीक है एक सेंड मुझे डालना पड़ेगा, और रिजल्ट क्या आएगा, ग्लास बन जाएगा, ग्लास फ्यूल भी मुझे डालना पड़ेगा, तो फ्यूल ये लकड़ी से हो जाएगा काम, मैं ज़्यादा लकड़ी डाल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि भाई अपना फ्यूल कम पड़ जाए और ग्लास बन ही ना पाए ज़्यादा आसानी से, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे फ्यूल लगाने वाला हूँ। चलो ठीक है, 60 सही रहेगा मुझे लगता है, 60 में तो काफ़ी सारे ग्लास बन जाएंगे, शायद पूरे ही बन जाएंगे। एक मैं फर्नेस को यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ, जैसे यहाँ से भी अपने को ग्लास मिल पाए, ग्लास की यार काफ़ी ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, मैं अपने घर को मतलब उसी से डेकोरेट वगैरह करने वाला हूँ अपने हाउस को। 16 मैंने यहाँ पे लगा दिया सेंट, और मैं सोच रहा हूँ थोड़े वुड भी लगाने ही पड़ेंगे फ्यूल के लिए। चलो ठीक है, कुछ ग्लास बन भी गए होंगे क्या अभी तक, या फिर अभी तो अपन ने लगाया ही, पता नहीं बने होंगे नहीं बने होंगे, पर भाई घर अपना काफ़ी से मुझे लगता है अपना भाई बना रहा है, बेस तो सही बना रहा है ये, वैसे भाई सही लग रहा है यार देखने में, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अभी देखते कितने ग्लास बन गए, थोड़े बहुत बन गए होंगे ना, तो मैं लिया के यहाँ पे सीधा लगा देता हूँ उसको। कहाँ है भाई कहाँ है यार, एक तो मैं घुस भी नहीं पा रहा हूँ अंदर, क्या हो गया भाई, ग्लिच हो गया क्या, क्या और राइड में घुस चुका है यार, मैंने सोचा दिक्कत क्या हो गई थी। अब 5 ग्लास हो चुके हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक है, इतने काफ़ी है क्या, और आ जा। चलो ठीक है, छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को, मैं सोच रहा हूँ ना ग्लास से मैं वो पतले वाले ग्लास बना लूँ, ये रहे
16 बन रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं यार, थोड़े से ग्लास में इतने ज़्यादा बन जाते हैं। चलो ठीक है, मैं पतले वाले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार पतले वाले ज़्यादा होते हैं तो अपने को ज़्यादा ग्लास के मतलब बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसलिए अपना काम कम्प्लीट हो पाएगा। तो चलो ठीक है, जल्दी से मैं चलता हूँ इसके ऊपर, अपने बेस के ऊपर। उसने अभी काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया है। और भाई ये घर मुझे उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में, बट चलो शायद बनने के बाद अच्छा लगे। कुछ तो यार कलाकारी अपने को करनी पड़ेगी, मुझे वो उतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। शायद ये वुड की वजह से, वुड की जगह अगर मैं स्टोन वगैरह लगाता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा भी हो सकता है। आइए आप और बता सकते हो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ उसको अच्छा बनाने के लिए। वैसे तो भाई ये मुझे किसी एंगल से अच्छा लग नहीं रहा है, बट चलो फिर भी कंप्लीट करते हैं अपना जो काम है ग्लास लगाने का, उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर मुझे लग रहा है ग्लास कम लगे, उस तरफ ग्लास ज़्यादा लगे। इसने यार मेज़रमेंट अच्छे से नहीं लिए, मुझे ऐसा लग रहा है अपने घर के लिए। चलो अपन अपना काम कंप्लीट करते, जल्दी से मैं ग्लास वगैरह लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लग चुके हैं, और पीछे की तरफ भी मुझे लगाने पड़ेंगे। ये क्या लग रहा है भाई? अच्छा, मुझे यहाँ पे सपोर्ट लगाना पड़ेगा क्या ग्लास के लिए? चलो लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और डन। बट फिर भी यार खुला खुला लग रहा है, इसको बीच में भी तो ब्लॉक वगैरह लगाने थे। पता नहीं यार इसने क्या सिस्टम बनाया, कैसा बनाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ देगा इन सब चीज़ों को, यहाँ पर लगा सकता हूँ क्या? लगता तो नहीं है कि मैं लगा पाऊँगा, पर ट्राई करते हैं। एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा तो सीधा लगेगा क्या? पूरा पीछे का ग्लास से हो जाएगा। ओ भाई यार ये ख़राब तरीके से ग्लास लग रहे हैं, ऐसे थोड़े लगाने, तोड़ दूँ क्या मैं इसको? तोड़ देते हैं यार, सोच रहा हूँ मैं, छोड़ते हैं अभी के लिए इसको। अपने यार पूरे ग्लास ही ख़त्म हो गए, मैंने यार नोटिस नहीं किया एकदम से। मैंने देखा मैंने वहाँ पर लगाने के लिए तो अपने पूरे ग्लास ही ख़त्म हो गए। तो जल्दी से मैं और ग्लास लेके आता हूँ, अभी तक तो काफ़ी सारे बन गए होंगे। भाई मैं गिर जाता और मुझे मेरे हेल्थ वगैरह हार्ट चला जाता है मेरा। चलो ठीक है यार, मुझे लग रहा है अपने से अच्छा घर तो ये विलेजर ने बना रखा है भाई। अपन ने बनाया तो बनाया क्या भाई, मैंने सोचा तो काफ़ी तगड़ा था, बट इसने कैसा सा बेस बना दिया भाई, घर तो अच्छा बना ही नहीं बिल्कुल भी। चलो यार फिर भी देखते हैं क्या होता है अभी। मैंने यहाँ पे ग्लास के प्लेन काफ़ी सारे ले लिए हैं, 32 तो काफ़ी होंगे यार, इतने के साथ मेरे स्विमिंग पूल का भी काम बन जाएगा। मैंने स्विमिंग पूल का तो सोचा ही था मैंने बनाएंगे अपने घर के छत के ऊपर, और आराम से जब भी नहाने का मन होगा तब नहा लेंगे। वैसे आप देख सकते हो कि मेरे घर के सामने ओशियन है, बट छत के ऊपर स्विमिंग पूल भाई काफ़ी तगड़ा लगेगा, तो इसलिए मैंने कुछ जुगाड़ तो करा है इसका। साथ भाई इसकी सेंट ही ख़त्म हो गई, चलो ये बना के दे रहा है अभी। मेरे को लगता है वैसे काफ़ी सारे अपने पास ग्लास हो चुके हैं, तो मुझे और की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अभी। सीधा चलते हैं अपने हाउस की तरफ, यार काम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी करना है, जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं। अपना भाई फिर भी कुछ लगा है भाई, पता नहीं यार तू क्या कर रहा है, कैसा तू बना रहा है भाई, बिल्कुल घटिया तरीके से बना रहा है, कैसा बन पाएगा यार ये? मुझे लगता तो नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छा बन पाएगा, बट चलो फिर भी काम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे भाई इसने क्या ये बना के रख दिखाया है अपने को। देखने में तो घटिया ही लग रहा है। खैर मुझे अंदर चलता हूँ, मैंने यहाँ पे ग्लास का काम तो पूरा कंप्लीट कर दिया, उसने देखो पीछे लगा दिए बिल्कुल सही तरीके से ग्लास। यार अपने से लगाते नहीं बन रहे थे, ये दिक्कत मुझे समझ में आ गई। उसने तो पीछे भाई अच्छे से लगा दिए और अपन लगा नहीं पा रहे थे, तो भाई दिक्कत अपने अंदर ही थी। मैंने इसको थोड़े ग्लास वगैरह दे दिए, इसको चाहिए थे। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मतलब रूफ़ बना लेते हैं, रूफ़ मतलब अपनी छत बना लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से मैं लगाने शुरू करता हूँ ब्लॉक्स, जल्दी लगाऊंगा, ज़्यादा टाइम लगाऊंगा मैं। चलो ठीक है डन, मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा वरना छत तो काफ़ी नीचे हो जाएगी ना। यहाँ से दो दो ब्लॉक्स की मैं छत बना रहा हूँ ऊपर तक के लिए, इसके आगे मैं एक ही ब्लॉक की कर लूँगा। ये लो, सही लग रही है ना? चलो ठीक है, ऑलराइट भाई सही लग रही है यार छत। अगर जिस कलर की मैं छत जिस वाली मतलब वुड से बना रहा हूँ ना, उसी कलर का मतलब अपनी मतलब साइड के एंगल वगैरह भी बनते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अपना हाउस, और ऐसा हो तो नहीं पाया है। चलो ठीक है, आधी तो मैंने छत कंप्लीट कर दी है भाई, ये क्या कर रहा है यार? एक तो मैं छत बना रहा है, पता नहीं कैसे ऊपर जाने का रास्ता बना रहा है। क्या ज़रूरत है ऊपर जाने की भाई, मेरी छत को तोड़ रहा है तू, पागल है क्या भाई? तूने एक तो यार ऐसा काम कर दिया गलत वाला, मुझे घर अच्छा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी भाई। इससे अच्छा तो मैं ही बना लेता ना अपने हिसाब से, मैंने इसके ऊपर भरोसा किया कि अच्छा बना के देगा मुझे, और उसने कैसा सा बना के दिया है मुझे ऐसा। इससे अच्छा तो मुझे विलेजर का घर लग रहा है, बट फिर भी चलो यार अपन अपना काम कम्प्लीट करते हैं। तोड़ दे जल्दी से इसको, मुझे ही तोड़ना पड़ेगा भाई। इसने क्या बना डाला है यहाँ पे, वुड पे वुड लगा दिए। चलो जल्दी से तोड़ लेते हैं इसको भाई, इसने यार बहुत गलत काम किया है। बट पीछे का इसने ग्लास सेट किया तो किया कैसे यार? देख रहे हो ना पीछे बिल्कुल ऊपर तक ग्लास लग गया, जब मैं लगा रहा था तो वो आड़े तरीके से लग रहे थे, पता नहीं यार। मत तोड़ यार, मुझे छत बनाने दे, मत तोड़। एक यहाँ पे, अभी ये वाले मुझे और तोड़ना पड़ेगा इस वाली वुड को, तू भी तोड़ हाँ जल्दी, मेरी मदद करवा, अरे काम गड़बड़ करवा रहा था। चलो ये भी अभी तोड़वा रहा, मैं छत को कंप्लीट करता हूँ जल्दी से।
ऑल राइट, तो अपना छत का यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ सीधा चलता हूँ छत के ऊपर, देखो ऐसी कुछ लग रही है। मुझे यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह तो करनी पड़ेगी यार, नॉर्मल सी बात है, घर में उतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा। बट इसने पीछे से ग्लास बना दिया, ये छेद क्यों है भाई? यहाँ से ज़ॉम्बी कूद के घुस जाएगा ना भाई, छेदों को भी कवर करना पड़ेगा यार। पता नहीं कैसा सही घर बना है ये, अच्छा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा? मुझे ब्लॉक्स वगैरह लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि नॉर्मली तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे पता है। यहाँ से चढ़ता हूँ ब्लॉक लगा के, भाई जंप करके लगता था ना। हाँ अब इसके ऊपर जंप करूँगा मैं, फिर जंप हो जा, ऑल राइट चलो ठीक है। अभी बस मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है स्विमिंग पूल का, उसके अंदर मैं पानी डाल दूंगा। ग्लास का मैं बनाने वाला हूँ स्विमिंग पूल, जिससे कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। वो कहाँ गिर गया भाई? वुड, वुड भी कलेक्ट करना ज़रूरी है यार, वरना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तोड़ने में। चलो ठीक है, ग्लास पैन येलो भाई। अब आप समझ रहे होगे मैं किस टाइप का स्विमिंग पूल बनाने वाला हूँ। इसी के अंदर भाई अपना नहाना हो जाएगा छत के ऊपर आके। चलो ठीक है, डन। इतना तो सही रहेगा भाई, मुझे बिल्कुल सही तरीके से बनाना पड़ेगा, वरना आगे पीछे हो जाएगा। अभी तो मुझे सही लग रहा है, ऑल राइट डन डन डन, काम हो रहा है अपना यहाँ पे। तो देखो ये कुछ मेरा स्विमिंग पूल का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके अंदर बस पानी लाना है, पानी कैसे लाना है वो मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि यहाँ पे मोटर वगैरह तो लगेगी नहीं, या पाइप वगैरह के थ्रू तो मैं ऊपर पानी पहुँचा नहीं पाऊँगा, तो मुझे बकेट से ही लेके आना पड़ेगा। और जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है, बट आपका भाई कर लेगा, थोड़ी सी मेहनत हम कर लेंगे। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे बना के तो रख दिया है भाई, उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अपने भाई ने बनाया है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं ब्लॉक लगा देता हूँ तो भी ज़्यादा थोड़ा सही हो जाएगा ना, ऐसा कुछ, वरना भाई खाली खाली लग रहा था। और ये जो साइड साइड में जगह उन बची है ना, इसको मैं भरने का काम कर लूँगा। अब अभी अगर मैं मेरे ही अकॉर्डिंग बताऊँ तो भाई ये मुझे घर से ज़्यादा ना गाय भैंस के बंधने का तबेला लग रहा है भाई, घर उतना ज़्यादा मुझे पसंद आया नहीं है ये। बट चलो यहाँ पे एक बेड लगा देता हूँ, कहाँ गया बेड है मेरे पास, हाँ है, चलो ठीक है, येलो बेड लिखा है भाई, तगड़ा लग रहा है वैसे तो येलो बेड। चलो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखो मुझे ना मेरे घर को भी मॉडिफाई वगैरह करना पड़ेगा, मुझे मेरा घर उतना ज़्यादा पसंद आ नहीं रहा है, बट चलो फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर लिया है। अगर मैं मरूंगा तो मेरा गेम यहीं से स्टार्ट होगा। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे कर देते हैं। मुझे पता है भाई आपको भी घर पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पसंद आया। अब मैंने सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनेगा, बट अपने भाई ने भाई जैसा बना दिया अपन ने वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। बट मैं इससे मॉडिफिकेशन वगैरह करूँगा और इसको और ज़्यादा तगड़ा बना दूंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए आप जल्दी जाकर वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साइड वाला बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।